न्यूज वन इंडिया देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। शुरुआत करेंगे खबरों की और पहली खबर मंदसौर से आ रही है, जहां पर रामपुरा क्षेत्र में तेंदुए का आतंक जारी है। यहां शौच के लिए जा रहे व्यक्ति पर तेंदुए ने हमला कर दिया। घायल को इलाज के लिए रामपुर अस्पताल लाया गया है। 3 दिन पहले रावली कुंडी क्षेत्र में सड़क पर घूमते पाया गया था तेंदुआ। तेंदुए ने मोटरसाइकिल सवार पर हमला कर दिया था। गांधी सागर अभयारण्य विभाग से करीब 80 से 100 की संख्या बताई गई है। 3 से 4 दिन में 2 घटनाएं गांधी सागर अभयारण्य में हुई। वहीं कई मवेशियों को भी शिकार बना चुका है तेंदुआ। गांधी सागर अभयारण्य में तेंदुए की वजह से डर का माहौल बना हुआ है। शिवपुरी जिले के कोतवाली थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले पीपर समार रोड मुर्गा फार्म के पास रविवार को वासुदेव धाकड़ पुत्र इमरतन लाल धाकड़ उम्र 42 साल निवासी रातौड़ हाल निवासी माधव नगर की शव मिला है, जिसकी धारदार हथियारों से हत्या कर दी गई। वहीं मृतक के भाई ब्रजमोहन धाकड़ ने पुलिस को बताया कि उसके भाई की शादी नहीं हुई थी और उसके भाई के डेढ़वारा की एक महिला से संबंध था। पुलिस ने मृतक के भाई के बयान पर जांच पड़ताल शुरू की तो घटना में महिला का घटनास्थल पर होना पाया गया है, जिसके बाद पुलिस को सूचना मिली कि महिला पोहरी बस स्टैंड मामा होटल के पास भागने की फिराक में खड़ी थी, जिसको पुलिस ने घेराबंदी कर पकड़ लिया। जिसके बाद पुलिस ने उसे पूछताछ की तो उसने बताया कि वासुदेव उसको आए दिन गाली गलौज करता था और मोहल्ले में उसके साथ शादी होने की झूठी अफवाह फैला रहा था, जिससे परेशान होकर उसने अपने मुंह बोले मामा निवासी दुलारा के साथ मिलकर वासुदेव की हत्या कर दी। 25-26 की दरमियानी रात किसी अज्ञात व्यक्ति के द्वारा हत्या कर बड़ौदी मौजे के अंतर्गत नई मुरम रोड पर पेपर समा अंडरब्रिज के पास लाश को डालने की रिपोर्ट की थी, उसके आधार पर हत्या का अपराध पंजीबद्ध किया गया था। हमारे श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय मौके पर पधारे थे, उनके द्वारा मौके का निरीक्षण कर हम लोगों को डायरेक्शन दिए गए थे। एक लाइन ऑफ इन्वेस्टिगेशन हमारे द्वारा तैयार किया गया। उस लाइन ऑफ इन्वेस्टिगेशन में TI साहब कोतवाली और उनकी टीम के द्वारा तत्परता से कार्रवाई करते हुए इस मर्डर को डिटेक्ट किया गया है। मर्डर में जो 2 आरोपी थे उनको गिरफ्तार किया गया है। हत्या में प्रयुक्त उनके द्वारा जो चाकू था उसको जब्त किया है। उन्होंने हत्या के समय जो कपड़े पहने हुए थे जिस पर कि खून के छींटे आए थे वो जब्त किए हैं। आगरा में लगातार बढ़ती गर्मी से लोगों को खासा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन आसमान से आग उगलने के बाद भी आगरा ट्रैफिक पुलिस में तैनात पुलिसकर्मी चौराहे पर ट्रैफिक को संभालती नजर आ रही हैं। दरअसल आगरा में ट्रैफिक व्यवस्था संभालने के लिए चौराहों पर महिला पुलिसकर्मियों की भी तैनाती की गई। ये महिला पुलिसकर्मी 48 डिग्री तापमान में भी चौराहे पर ट्रैफिक व्यवस्था संभालती नजर आ रही हैं। बढ़ती तपिश के बाद भी ये महिला पुलिसकर्मी चौराहे बूथ पर डटी रहती हैं और ट्रैफिक व्यवस्था को सुचारू रखती हैं। गोंडा के केसरगंज में बिजभूषण शरण सिंह के बेटे करण भूषण के काफिले से हुई हादसे के दौरान 2 युवक मौत के बाद करण भूषण सिंह का मीडिया पर बात करना और बयान देना सुर्खियों में है। उन्होंने इस घटना को दुखद बताया। घटना में महिला से बाइक पर सवार युवक पहले लड़े, फिर रोड पर आकर गिर गए। बताया जा रहा है कि युवक की गलती नहीं थी। महिला एकाएक रोड पर आ गई बाइक सवार भिड़ंत के बाद रोड, फिर जिससे काफिले की आखिरी गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ। जब मुझे पता चला मैंने गाड़ी भेजकर नवाबगंज चेयरमैन सत्येंद्र सिंह गए और घायलों को अस्पताल पहुंचाया। 2 युवकों की मौत हो गई। मौत के बाद हमारे परिवार के लोग पोस्टमार्टम में अंतिम संस्कार में मौजूद रहे। दुखद घटना है, परिवार के साथ हम खड़े हुए हैं। बच्चे नहीं रहे, परिवार के साथ पूरी संवेदना सर हुआ। कल यूँ की जो काफिला बताया जा रहा है, कल 4 गाड़ियों से बहराइच जा रहा था, तो पीछे वाली गाड़ी से कुछ घटना हुई। मुझे जब पता लगा जब मैं किसी प्रोग्राम में पहुँच गया और उसने बात ये हुई थी कि एक महिला रोड क्रॉस कर रही थी, उस महिला से बाइक वालों के एक्सीडेंट हुआ। उसमें बाइक वालों बच्चों की भी कोई गलती नहीं थी। वो महिला रोड पर आई और बाइक वाले उससे लड़े, फिर उसके बाद वो लोग अपना बैलेंस होके आगे एकदम लेफ्ट साइड पर पीछे गए और गिरे। ड्राइवर ने बहुत बचाने की कोशिश की कि लास्ट गाड़ी थी, लेकिन घटना हो गई। प्रयागराज के सराय मरेज थाना क्षेत्र के चंपापुर स्थित SMD कॉन्वेंट स्कूल के सामने बने डबल ब्रेकर से कई राहगीर चोटिल हो चुके हैं, तो वहीं कई राहगीरों ने अपनी जान गंवा दी है। देर शाम पिंटू वनवासी किसी काम से जंघई की तरफ जा रहा था। चंपापुर स्थित SMG कॉन्वेंट के सामने बने डबल ब्रेकर से गिरकर युवक घायल हो गया। सराय ममरेज पुलिस ने घायल युवक को प्रतापपुर CHC भेज दिया। युवक की हालत को गंभीर देखते हुए युवक को जिला अस्पताल भेज दिया गया है। युवक झूसी पहुंचा ही था कि उसके प्राण उखड़ गए। मृतक युवक के परिजनों ने अनुवा रोड को जाम कर अपनी मांग पर अड़े रहे। सराय ममरेज पुलिस के साथ PWD विभाग के ठेकेदार जय भी पीड़ित परिजनों को समझाते रहे।
पौड़ी जिले क्षेत्र के विकास खंड कोट की खंडियुसेन बगोली धार मोटर मार्ग के विस्तारीकरण और डामरीकरण कार्य का स्थानीय विधायक राजकुमार पौड़ी ने PMGSY के अधिकारियों के साथ स्थलीय निरीक्षण किया है। उन्होंने इस मौके पर नाराजगी जताते हुए कार्य गुणवत्ता में सुधार लाने के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि स्थानीय लोगों की शिकायत पर उनके द्वारा यह स्थलीय निरीक्षण किया गया है। उन्होंने विभागीय अधिकारियों को रोड के विस्तारीकरण डामरीकरण के कार्य में ढिलाई न बरतने के निर्देश दिए। इस दौरान सड़क विस्तारीकरण डामरीकरण को लेकर कार्य की धीमी प्रगति पर विधायक पौड़ी ने नाराजगी जताई है और विभागीय अधिकारियों से गुणवत्ता के साथ कार्य प्रगति में लाने को कहा है। विधायक पौड़ी ने कहा कि कोट ब्लॉक मुख्यालय समेत कई ग्रामीण क्षेत्रों को जोड़ने वाली यह रोड स्थानीय लोगों की आशाओं पर खरी उतरनी चाहिए। उन्होंने कहा कि सड़क के बेहतर निर्माण को लेकर नालियां और इसके अलावा सभी कार्यों में बेहतर गुणवत्ता के साथ रोड का काम होना चाहिए। मैंने तब जब लोगों की शिकायत है तो कल अधिकारियों से बात की और अधिकारियों को साथ लेकर मैं स्थलीय निरीक्षण के लिए गया और वहाँ पर जो मुझे पाया है वास्तव में जो उन्होंने कंक्रीट पत्थर के तोड़े हैं वो कच्चा पत्थर है, वो छोलिंग के काम का पत्थर नहीं है। और जो कलमट बने हैं कलमट तो ठीक हैं, फिर पक्के बनाए हैं कलमट ठीक हैं। और साथ में मैंने इनको कहा है, अधिकारियों को कहा है कि इसको समय सीमा के अंतर्गत इस सड़क को जो है पूरा करने का प्रयास करें। गाजियाबाद लोनी के गढ़ी सबलू में कच्चे रास्ते पर मंगलवार सुबह मिले राज शर्मा और राजू के शव के मामले में पुलिस ने बुधवार को खुलासा कर दिया है। राज शर्मा की गोली मारकर नहीं सिर पर हथौड़े से वार करके हत्या की गई। पुलिस के मुताबिक सोमवार रात राजू के ऑफिस के बगल में रहने वाले रोहित और उसकी पत्नी से झगड़ा हो गया था। बीच बचाव के दौरान राज रोहित को धक्का दे दिया जिससे नाराज होकर उसने वारदात को अंजाम दिया। DCP ग्रामीण विवेक चंद यादव ने बताया कि पकड़ा गया आरोपी डायमंड सिटी निथौड़ा रोड गड़ी सबलू निवासी रोहित शर्मा है। पूछताछ में रोहित ने पुलिस को बताया कि सोमवार को शराब के नशे में उसका पत्नी पूनम से झगड़ा हो गया था। पूनम भागकर घर के पड़ोस में राज और संदीप के कार्यालय पहुंची, पति से बचाने की मदद मांगने लगी। इस दौरान रोहित पूनम के पीछे उसे पीटने के लिए डंडा लेकर आया। संदीप और राज ने विरोध किया और रोहित के हाथ से डंडा छीनकर फेंक दिया, रोहित को धक्का दे दिया। इस बात पर रोहित गुस्से में घर चला गया। इसके बाद संदीप और राज भी कार्यालय बंद करके अपने अपने घर जाने लगे। इस दौरान रोहित ने राज को जाते देखा, उसके पीछे लग गया। रास्ते पैदल घर जा रहे राजू के सिर पर हथौड़े से पीछे से वार कर हत्या कर दी। 28 मई 2024 को गढ़ी सबलू क्षेत्र जो थाना लोनी में पड़ता है वहाँ पे कच्चे रास्ते पर एक करीब 28 वर्षीय युवक राजू शर्मा की डेड बॉडी मिली थी जिसपे तमाम चोट के निशान थे। इसके पश्चात पुलिस द्वारा सबका पंचायतनामा भर के जो अग्रिम विधिक कार्रवाई प्रारंभ की गई सबकी शिनाख्त इत्यादि के उपरांत तो जो घटना का अनावरण होने के पश्चात जो तथ्य प्रकाश में आए हैं वो घटनाक्रम इस प्रकार से रहा है। भाजपा सांसद मुकेश राजपूत ने बुलाई प्रेस वार्ता कर सांसद मुकेश राजपूत ने समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव पर हमला बोला। साथ ही सांसद मुकेश राजपूत इंडिया गठबंधन पर भी हमलावर हुए। भाजपा सांसद मुकेश राजपूत ने अपने आवास पर पत्रकारों से बढ़ता कर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव और इंडिया गठबंधन पर जमकर हमला बोला। अखिलेश यादव की जो सरकार थी जो कहा था अल्पसंख्यक कोई बेटी या मुसलमान की कोई बेटी हाई स्कूल इंटर पास कर लेगी तो मैं उसके खाते में पैसा 25-25 हजार डालेंगे। वो गरीब हो सकती, जो गरीब की बेटी है उस बेटी को सरकारी अनुदान मिलना चाहिए। संविधान यहाँ भी खतरा है, किसी हिंदू परिवार में किसी बहुसंख्यक परिवार में किसी बेटी ने जन्म लिया तो उसने ये पूर्व ऊपर वाले सामने बहुसंख्यक समाज में जन्म लेना वो पड़ेगी, बहुसंख्यक समाज की बेटी पड़ेगी तो उसे 50,000-25,000 रुपए नहीं मिलेंगे। कोई मुस्लिम समाज की लड़की पड़ेगी तो उसे 25,000 रुपए मिलेंगे। ये तो संविधान में लिखा है क्या? बंद कमरे में दो महिलाओं के शव मिले, 3 से 4 दिन पुराने शव है। दुर्गंध आने पर पुलिस को सूचना दी गई। ऊपरी मंजिल पर रहती थी महिला। सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने दरवाजा तोड़कर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। प्रथम दृष्टया मामला खुदकुशी का लग रहा है। पुलिस जांच में जुटी है। आगरा थाना शाहगंज क्षेत्र का पूरा मामला देखिए, आज दिनांक 30 मई 2024 को सुबह थाना शाहगंज पर सूचना मिली थी। अर्जुन नगर क्षेत्र में एक घर जिसमें दो वृद्ध महिलाएं रहती थी और पिछले 3-4 दिनों से उनमें उस घर के ग्राउंड फ्लोर पे एक व्यक्ति रहते थे, वो नहीं थे। और उन्होंने जब वो वापस आए तो उन्होंने सूचना दी कि बदबू दुर्गंध आ रही है। और सूचना पर थाना शाहगंज पुलिस और पीले मिट्टी टीम ने पहुँच कर उसको कमरे को खोल के देखा तो दोनों महिलाओं का शव इस कमरे के अंदर मिला।
अमरोहा में बिजली विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई है। लापरवाही से बिजली लाइनमैन की दर्दनाक मौत हो गई। शटडाउन लेकर लाइन ठीक करने बिजली पोल पर चढ़ा लाइनमैन। शटडाउन के बाद बिजली सप्लाई नहीं हुई थी बंद, बिजली पोल से नीचे आकर गिरा लाइनमैन। लाइनमैन की इलाज के दौरान मेरठ में हुई मौत। मृतक के परिवार वालों ने बिजली ऑफिस पर हंगामा किया। अमरोहा नगर कोतवाली क्षेत्र के चूना भट्टी का मामला है। कानपुर में बीते डेढ़ साल से पुलिस के पास न्याय के लिए चक्कर लगा रहे लोग आज मेरसल एल मानी मल्टीप्लायर्स चिटफंड कंपनी के रहनुमा इंदिवीर वाजपेयी पर आरोप लगाते हुए कुछ लोगों ने पुलिस आयुक्त से मुलाकात की, जिसमें उन्होंने बताया कि चिटफंड कंपनी ने उनके साथ धोखा किया और फिर उन लोगों को चिटफंड कंपनी से न्याय और पैसा वापस दिलाने के नाम पर अब इंदिवीर वाजपेयी उगाही पर उगाही कर रहा है। कई बार में उन्होंने लाखों रुपये हड़प लिया, जिसकी लिखित शिकायत थाना फजलगंज में पहले ही की जा चुकी है, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसी कड़ी में इंदिवीर वाजपेयी ने 2019 में भी विवेचक धन सिंह से मिलकर फर्जी अंतरिम रिपोर्ट लगाई थी, जिसकी शिकायत न्यायालय के माध्यम से की जा चुकी है, लेकिन न्यायालय ने इनके खिलाफ आदेश आने और 60 दिनों के भीतर कार्रवाई निहित करने के आदेश भी अनुपालन अभी तक नहीं हुए हैं। वंदना शर्मा मेरा नाम है। मामला सर ये है कि मैं पहले भी बता चुकी हूँ, LNS मनी मल्टीप्लायर में मैंने पैसा लगाया था, जिसके प्रोप्राइटर लक्ष्मी नारायण है, जिनकी संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई, और जिनके सहकारी शिखा शुक्ला, शेखर मिश्रा, इंदिवर वाजपेयी, दीपक तिवारी और भी अन्य लोग हैं, जिनके खिलाफ मैंने FIR लिखवाई है, पर पुलिस कोई भी कार्रवाई हमारी कर नहीं रही है। पुलिस सिर्फ हलावा दे रही है, कुछ भी नहीं करना चाहती पुलिस। इंदिवर वाजपेयी का सपोर्ट मिल रहा है पुलिस को पूरा, इसलिए पुलिस कुछ नहीं कर रही है। सहारनपुर की सब्जी मंडी में खड़े ट्रक में आग लग गई। आग लगने से ट्रक जल गया। ट्रक में आग लगने की सूचना पर पहुंची दमकल विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पा लिया। आग इतनी भयानक थी कि दूर दूर तक लपटे और धुआं दिखाई दिया। लोगों ने देखा तो अफरा तफरी मच गई। बताया जा रहा है कि वाहन सब्जी मंडी के अंदर काफी दिनों से खड़ा है और अचानक से उसमें आग लग गई। सब्जी मंडी में खड़े ट्रक में आग लगने से वाहन किसका है, इसकी जाँच पड़ताल की जा रही है। मुरादाबाद के थाना सदर कोतवाली क्षेत्र के भीड़भाड़ वाले इलाके में एक तेज रफ्तार कार ने राहगीरों को रौंद दिया। कार बहुत तेज रफ्तार के साथ सड़क किनारे मिट्टी के बर्तन की दुकान में जा घुसी, जिससे मिट्टी के बर्तन के दुकानदार का भी काफी नुकसान हुआ। पूरी घटना वहां लगे CCTV कैमरे में कैद हो गई, जिसके बाद राहगीरों की मदद से कार और कार चालक दोनों पकड़ लिया गया और कोतवाली पुलिस को सूचना देकर दोनों को ही पुलिस के हवाले कर दिया गया। थोड़ी देर बाद पुलिस ने कार चालक को कोतवाली से ही छोड़ दिया और मुकदमा अज्ञात में दर्ज कर दिया। ऋषिकेश में IDPL चौकी प्रभारी ने हरिद्वार रोड से एक युवक को गांजा तस्करी करने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया। आरोपी के कब्जे से पुलिस को 2 किलो 500 ग्राम गांजा बरामद हुआ है। पुलिस ने युवक के खिलाफ गांजा तस्करी करने के आरोप में मुकदमा दर्ज कर लिया है। तस्करी में इस्तेमाल बुलेट भी पुलिस ने अपने कब्जे में ले ली है। आरोपी को पुलिस ने कोर्ट के आदेश पर जेल भेज दिया है। मामले में पुलिस ने अपनी जाँच शुरू कर दी है। अमरोहा के हसनपुर क्षेत्र में चोरों के हौसले बुलंद हैं। 4 घरों से सोने चांदी की जेवरात समेत लाखों की चोरी। चारों घरों से लाखों की चोरी से हड़कंप है। सूचना पर पहुंची पुलिस जांच पड़ताल में जुटी है। हसनपुर कोतवाली क्षेत्र के मकनपुर शुमाली गांव का ये पूरा मामला है। झांसी के सीपरी बाजार थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम मथनपुरा के प्रधान के द्वारा गाँव की कुछ महिलाओं को उनके घर में घुसकर मारपीट छेड़छाड़ करने का आरोप लगा। महिलाओं ने थाने में और पुलिस के आलाधिकारियों को दिए प्रार्थना पत्र में आरोप लगाया कि ग्राम प्रधान के द्वारा उनके साथ घर में जबरन घुसकर मारपीट की गई, छेड़खानी की गई। विरोध करने पर उनको भद्दी भद्दी गालियां दी गई। गांव की सारी घटना का साक्ष्य है। पीड़ित महिलाओं का कहना है कि दबंग प्रधान के द्वारा आए दिन गांव में किसी न किसी के साथ मारपीट होती रहती है। फिलहाल दोनों पक्षों के आधार पर कार्रवाई की जा रही है। ये मथनपुरा है और सतीश प्रधान ने और सोनू ने, उसके भांजा है और वो राजश्री ने, हम सबको मारा है सर। हाँ, और रोड पे भी घर से खींच के इधर से खींच के ले आया और इधर रोड पे हम लोगों को घुमा घुमा के हाथ से पटका है, फिर मारा है। सब लोगों देख रहे थे, नहीं मेरे पति भी नहीं थे, मेरे पति बचाने आए बाहर, बाहर आए तो उसने एक चाटा पति को भी मारा। अच्छा। निर्वाचन आयोग के निर्देशन पर जिला निर्वाचन आयोग ने लोकसभा 2024 के 4 जून 2024 को होने वाली मतगणना को पूरी तैयारी कर ली है। मतगणना स्थल पर बिना पास के प्रवेश वर्जित रहेगा। अपर जिलाधिकारी ने मतगणना स्थल भूजला मंडी में आयोजित की गई पत्रकार वार्ता में जानकारी देते हुए बताया कि निर्वाचन आयोग के निर्देशन पर जिला निर्वाचन आयोग ने निष्पक्ष शांतिपूर्ण मतदान कराने के लिए पूरी तैयारी कर ली। उन्होंने कहा कि हर विधानसभा की 14 टेबल लगाई जाएंगी, 1 ARO रहेगा। उन्होंने कहा कि बिना पास के कोई भी अंदर प्रवेश नहीं करेगा। साथ ही उन्होंने कहा कि प्रत्याशी और उनके एजेंट को पास जारी किया जाएगा जो टेबल और ARO तक जा सकता है, इसके अलावा किसी को अंदर जाने की अनुमति नहीं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, मतगणना 4 जून 2024 को प्रस्तावित है और जिला प्रशासन की तरफ से मतगणना को लेकर सभी तैयारियां
माननीय आयोग के निर्देशों के क्रम में जो भी तैयारियां की जाती हैं वो लगभग हम लोग कर चुके हैं और जो तैयारियां रह गई हैं वो हम लोग कर रहे हैं और 4 तारीख को हम बहुत ही शांतिपूर्वक तरीके से नियमानुसार मतगणना की कार्रवाई को संपन्न कराएंगे। देखिए पट्टी विधानसभा हमने 14 मतगणना टेबल रहेगी, 1 ARO की टेबल। ये पट्टी विधानसभा हमारा टेबल का अरेंजमेंट रहेगा। इसके अलावा 1 RO टेबल रहेगी और ETPVS की 3 टेबल रहेंगी और पोस्टल बैलेट की 5 टेबल रहेंगी। प्रदेश में इन दिनों पारा अपने चरम पर है। मैदानी क्षेत्रों के साथ ही वन क्षेत्र में भी गर्मी का प्रकोप है। वन्य जीव से इससे आहत हो रहे हैं। वहीं राजाजी टाइगर रिजर्व ने गर्मी से वन्य जीवों को राहत दिलाने के लिए पार्क के सभी 10 रेंजों में छोटे बड़े कई वाटर होल्स का निर्माण कराया है। राजाजी की मोतीचूर और कांसरो रेंज में 47 के करीब कई पुराने वाटर होल्स हैं जिनके सुधारीकरण के साथ ही 5 बड़े नए जलाशयों को भी निर्मित किया गया है। इन बड़े वाटर हाउस के बन जाने से अब जंगली गजराजों के कई बड़े झुंड आबादी क्षेत्र का रुख नहीं कर रहे। स्थानीय ग्रामीण भी इन वाटर होल्स को भरने में अपने स्तर से राजाजी टाइगर रिजर्व का सहायक राजाजी टाइगर रिजर्व द्वारा निर्देश दिए गए हैं कि ऐसे क्षेत्रों को चिन्हित किया जाए, ऐसे वन क्षेत्रों को चिन्हित किया जाए जहां पर वन्य जीव आबादी क्षेत्रों में पानी के लिए प्रवेश करते हैं, उनको चिन्हित कर दिया गया है सभी रेंजों में। कुछ स्थानों पर कच्चे वाटर होल बनाए गए हैं जिसके लिए बाहर से पानी लाया जा रहा है। जो पुराने वाटर होल पक्के वाटर होल हैं उन पर पानी निरंतर पानी उनमें भी डाला जा रहा है ताकि। नरसिंहपुर के करेली में एक महिला ने बहादुरी की मिसाल पेश की है। उसे महिला की बहादुरी का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। मामला कुछ इस तरह है कि एक आरोपी प्लास्टिक की नकली पिस्टल के साथ महिला से लूट की कोशिश कर रहा था तो महिला उस पर झपट पड़ी और पास में पड़े डंडे को उठाकर उस पर धनादन शुरू कर दिया बजाना। बीच बचार हुए हंगामे में उसे हर कोई स्तब्ध रह गया। हालांकि बाद में आरोपित को आसपास के लोगों की मदद से पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया गया। वहीं पुलिस अधीक्षक महिला की तारीफ करते हुए कह रहे हैं कि इस मामले में आरोपी के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। महिला सुरक्षा के लिए पुलिस प्रतिबद्ध। फरियादी के द्वारा ये संज्ञान में आया कि फरियादी के द्वारा जो है एक व्यक्ति है जो नकली पिस्टल दिखाकर लूटने का प्रयास कर रहा था। थाना पारी से जो है प्रथम दृष्टया जब मैंने जानकारी ली तो उनके द्वारा यह कहा गया कि उनके संज्ञान में भी है लेकिन वो व्यक्ति जो मानसिक रूप से विक्षिप्त हो। तदुपरांत जैसे भी वस्तु स्थिति हो महिला की सुरक्षा जो है शासन एवं पुलिस की जो सर्वोच्च प्राथमिकता है इसको दृष्टिगत रखते हुए मेरे द्वारा उन्हें थाना पारी एवं SDOP को निर्देशित किया गया कि जल्द से जल्द इसमें कार्रवाई करेंगे, शाम तक इसमें अवगत कराना सुनिश्चित करेंगे। हाथरस से वही खाई में गिरने से आधा दर्जन से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। हाथरस से जम्मू यात्रियों को लेकर जा रही बस जम्मू के अखनूर के टांडा के दुर्घटनाग्रस्त हो गई। दुर्घटनाग्रस्त में 13 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। घायलों को जम्मू के अस्पताल में भर्ती कराया गया। मौके पर राहत बचाव का काम किया गया है। हाथरस के जिला अधिकारी महोदया ने बाकी गई बसों की जानकारी लेने के लिए आम लोगों की सहायता के लिए हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया है जिनके माध्यम से जानकारी मिल सकती है। और इसी के साथ फिलहाल खबरों में इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ।